नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र भरत मुनि द्वारा लिखी गई ग्रंथ का नाम है। नाट्य शास्त्र को संगीत का आधार ग्रंथ माना जाता है। भरत द्वारा प्रयोग में लाई गई श्रुति सिद्धांत के आधार पर रखी गई जातियों में समूचे लोक का संगीत समाया हुआ है। प्राचीन समय के भारतीय संगीत का यदि कोई भी शास्त्र उपलब्ध है तो वह भरत का नाट्य शास्त्र है। कनिष्क काल के दौरान ही भरत ने संगीत का प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्य शास्त्र की रचना की। इस ग्रंथ के रचना काल के विषय में विद्वानों के अनेक मत हैं, परंतु सर्वसहमति से इसे 5वीं शताब्दी का ग्रंथ मानते हैं। विद्वानों की मान्यता है कि भरत का अर्थ है अभिनय करने वाला व्यक्ति, इसलिए भरत नाम नाटक के शास्त्रकारों के साथ जुड़ा है, अर्थात यह ग्रंथ किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं है। इनमें पाठ भेद तथा अध्यायों एवं श्लोकों की संख्या और क्रम भेद से यह पता चलता है कि इस ग्रंथ में काफ़ी बदलाव होते रहे होंगे, परंतु फिर भी अधिकतर विद्वानों का यही मत है कि यह एक ही व्यक्ति की रचना हो सकती है। यद्यपि नाट्य शास्त्र का विषय नाट्य है, संगीत नहीं है, फिर भी अपने नाटकों में संगीत का विशेष स्थान होने के कारण भरत ने नाट्य शास्त्र में संगीत पर काफ़ी विचार किया है। भरत ने संगीत के कई अध्याय नाट्य शास्त्र में शामिल किए हैं। नाट्य शास्त्र में कुल अध्यायों की संख्या 36 है, जिनमें ग्राम की संख्या 2 मानी गई है, षडज ग्राम और मध्यम ग्राम। जातियों की संख्या 18 मानी गई है। सर्वप्रथम जाति के 10 विधि लक्षणों का उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम ध्रुवा गीत का उल्लेख एवं ध्रुवा गीत के 5 प्रकारों का उल्लेख भी मिलता है। भरत ने कुल अलंकारों की संख्या 33 मानी है। भरत मुनि कृत नाट्य शास्त्र का प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय से लेकर 27 अध्याय तक का संबंध नृत्य से है। बाकी बचे हुए 6 अध्याय 28 से लेकर अध्याय 33 तक का संबंध संगीत से है, जिसमें संगीत संबंधित तथ्य मिलते हैं। 28 से 33 अध्याय इस प्रकार हैं। 28वां अध्याय। 28वें अध्याय में भरत मुनि के वाद्य यंत्रों के प्रकार और वर्गीकरण के विषय में इस अध्याय में वाद्यों के 4 भेद का वर्णन मिलता है तथा तत् अवनद्य घन तथा सुषिर वाद्यों का नाटक में किस प्रकार प्रयोग किया जाना चाहिए यह भी बताया गया है। अनेक वाद्यों की सम्मिलित ध्वनि को कुतुब कहा गया है। इसमें कहा गया है कि जब आतोद्य अर्थात तंत्री वाद्यों का वादन स्वर ताल और पदों का आश्रय लेता है तो वही गांधर्व कहलाता है। यह अध्याय संगीत शास्त्र से संबंधित है। तदनुसार नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने 28वें अध्याय में वाद्यों के 4 प्रकार बताकर स्वरों के 7 प्रकार तथा उनके वादी संवादी आदि भेद तथा स्वर ग्राम मूर्छना जाति आदि का वर्णन किया है। भरत मुनिकृत नाट्य शास्त्र के इस अध्याय को 151 श्लोकों में समाप्त किया गया है। 29वां अध्याय। इस अध्याय में यह बताया गया है कि किस भाव और किस रस के लिए किस जाति का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद गीते का वर्णन करते हुए उसके 4 भेदों को बताया गया है। इसके उपरांत वाद्य वादन के लिए विस्तार करण अविद्य व्यंजन जैसे 4 धातुओं को बताया गया है। इसके साथ ही तंत्र वाद्यों का वर्णन तथा वीणाओं की संपूर्ण स्वरूप की चर्चा की गई है। इस प्रकार वीणा के स्वरों के विषय में इस अध्याय में कुल 156 श्लोक हैं। 30वां अध्याय। इस अध्याय में सुषिर वाद्य का वर्णन है। वंशी में 4, 3 और 2 श्रुतियों में उत्पन्न होने वाले स्वरों का वादन करने का विधान बताया गया है। साथ में यह भी कहा गया है कि साधारण और काकली स्वरों को किस प्रकार से उत्पन्न किया जाए। उनके अनुसार शरीरोत्पन्न यानी कंठ स्वर वीणा स्वर और वेणों के स्वरों में एक रूपता हो जाने पर वह अधिक अच्छा लगता है। इस प्रकार भरत मुनिकृत नाट्य शास्त्र के इस अध्याय में केवल 13 श्लोक हैं। 31वां अध्याय। 31वें अध्याय में लय तथा ताल का विधान बताया गया है। उनके अनुसार कला पात और लय से युक्त काल वह खंड जो घन वाद्यों में आता है ताल कहलाता है।
ताल भी सामान्यतया निःशब्द और सशब्द जैसी दो प्रकार की क्रियाओं द्वारा निर्मित है। इसके बाद गीत के सात प्रकारों को समझाया है, फिर इनके द्विकल और चतुष्कल भेदों का निरूपण किया है। 502 श्लोकों में इस अध्याय को समाप्त किया गया है। 32वां अध्याय। 32वें अध्याय में गीत के उन प्रकारों के विषय में बताते हैं जिन्हें नारद आदि मुनियों ने ध्रुवा कहा है। जब गीत एक वस्तु में निबद्ध हो जाए तो उसे ध्रुवा, दो वस्तु में निबद्ध होने पर परिगीतिका, तीन वस्तु में निबद्ध गीत को मद्रक और चार वस्तु में निबद्ध गीत को चतुष्पदा कहते हैं। ध्रुवा में त्रयस्र और चतुरस्र ताल रहती है। इस अध्याय में गायकों एवं वादकों के, आचार्य के, शिष्य के, कंठ स्वर के गुण दोषों को समझाकर 525 श्लोकों में इस अध्याय को समाप्त किया है। 33वां अध्याय। 33वें अध्याय में अवनद्य वाद्यों के अंतर्गत उनकी उत्पत्ति, उपयोगिता तथा इसके साथ ही मृदंग, प्रणव व दुर्दुर वाद्यों की वादन विधि और उनके लक्षणों को बताया गया है। उनके अनुसार चमड़े में मढ़े हुए जितने वाद्य होते हैं उन्हें अवनद्य वाद्य समझना चाहिए। इसके बाद उपहस्तों, कर्तरी, समहस्त, हस्तपाणित्र, वर्तना और दंडहस्त को समझाकर उत्तम वादकों के लक्षण एवं गुण तथा मृदंग के गुणों को बताकर 301 श्लोकों में इस अध्याय को समाप्त किया है। नाट्यशास्त्र का 6ठा और 7वां अध्याय भी संगीत के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसमें रस संबंधी बातों पर विवेचन है। 6ठे अध्याय में रस के लक्षण और व्याख्या, भाव लक्षण और व्याख्या, 8ठों रसों का वर्णन, रस के देवता और वर्ण तथा 7वें अध्याय में भाव, विभाव, अनुभाव आदि की व्याख्या, अस्थाई, व्यभिचारी और सात्विक भावों का विवरण दिया गया है। नाट्यशास्त्र को संगीत का आधार ग्रंथ माना जाता है।